वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अप्रैल 2021 और 20 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लीवर ये बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अक्सर ये हेपेटाइटिस बी सी इनसे खराब हो जाता है, एल्कोहल के कंजम्पशन से भी लीवर खराब होता है, ड्रग्स से भी लीवर खराब होता है। तो लीवर को बचाने के लिए और लीवर की इंपोर्टेंस के बारे में अपडेट करने के लिए ये हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करिए और अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताया सारे बिल्कुल सिक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो लूना 25 मिशन ये रूस लॉन्च करेगा, यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ लिख गया है, तो रूस इस मिशन को लॉन्च करेगा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस ये लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा और रसिया ने चंद्रमा पर लूना 26 मिशन लॉन्च करने की भी घोषणा की है। अब रसिया की बात है तो ये है मैप में रसिया, रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सोतिन। अच्छा, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। और रसिया जो रॉकेट यूज करता है उसका नाम क्या है? सोयूज। सोयूज रॉकेट का यूज करता है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? तो अभी उत्तराखंड में टेहली झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में अभी पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में अभी वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई, स्मृति वन का उद्घाटन हुआ, गोल्डन वर्ल्ड विंग ये अब तक की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में खोजी गई, एक ग्रंथालय का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ, हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, फूल दही त्यौहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है लेकिन भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद हुसैन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो अहमद हुसैन ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे अहमद हुसैन, ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक का निधन हुआ है, वे किस भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो विवेक ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता थे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे तमिल अभिनेता विवेक और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पे बाया बैंक ऐप लॉन्च की? तो अभी RBL बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पे वाया बैंक ऐप लॉन्च की, तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है, आरबीएल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट पे एमडी एंड सीईओ कौन है? बिश्वबीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी दीपिका भान को टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं दीपिका भान और इन्हीं को टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द किया? तो एक्चुअली ब्रिटेन के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनको अप्रैल लास्ट वीक में इंडिया आना था, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से इन्होंने इंडिया आने की अपने प्लान को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हुआ है? तो चार्ल्स गेस्के ये एडव कंपनी के संस्थापक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एडव रीडर, एडव फोटोशॉप, ये सब आपने सुना होगा। तो एडव कंपनी के संस्थापक थे चार्ल्स गेस्के और इन्हीं का अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? तो अभी उड़ीसा में एक नदी है धामर नदी, इसे धामरा नदी भी कहते हैं, इस पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, अब उड़ीसा में बनेगी। तो ये है मैप में उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। मिशन जीरो एफ ये उड़ीसा में शुरू हुआ, स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये भी उड़ीसा में शुरू हुई, गरिमा नाम की एक नई योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैशीवल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, उड़ीसा में अभी रसिकुलिया बीच बहुत चर्चा में था, तो रसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच ये दोनों उड़ीसा में है। उड़ीसा में अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर था और परिश्रम पोर्टल भी उड़ीसा में लॉन्च किया गया और उड़ीसा के दो गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है और वो दो गांव कौन से हैं? न्यूलियासाई और बैंकट रायपुर। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है, रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है और किसानों के लिए कालिया योजना और बलराम योजना ये दोनों उड़ीसा में चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स चीफ आर के एस भदौरिया किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं आर के एस भदौरिया, ये अभी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और फ्रांस गए हैं तो ये है मैप में फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, पेरिस में IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, UNESCO यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग में अपने देश भारत ने 14 पदक जीते। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 14 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो उस क्वेश्चन का वे ऑप्शन सही, ये है मैक्स वर्स्टैपेन और इन्होंने एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? तो अभी गुजरात में इटली ने अपना भारत में पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एक्चुअली ये गुजरात में मेहसाड़ा डिस्ट्रिक्ट में फंडीदर में शुरू किया गया है।
आप गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्पेंडर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो अभी अमेरिका विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।